अरे रह गया यार, रह गया। हाँ गया गया गया। एक बार और, एक बार और। ओ जरा सा और रह गया है। नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में स्वागत है। मेरा नाम है विनोद। तो भाई साहब, बहुत दिन हो चुके हैं, 8 दिन से भी ज़्यादा हो गए हैं जबकि अपनी वीडियो नहीं आई है। कारण ये है कि कोई ऐसा काम चल ही नहीं रहा है जिसको अपन बता पाएँ, और कोई भी फालतू वीडियो बनाने से अच्छा जब तक कोई मतलब या तो इंटरटेनमेंट हो या फिर नॉलेजेबल हो तो अपन दिखाएँ। तो फिलहाल में आज क्या है, आज जो है हम जा रहे हैं एक ट्रैक्टर को निकालने के लिए। एक ट्रैक्टर जो कि खाद लेके गया था, खाद डल गई और वो ट्रैक्टर आते में बारिश हो गई और वो फंस गया। तो उसके लिए हम लेके जाएंगे एक 4-व्हील ट्रैक्टर। हमारे पास एक ये है और एक ये है, ठीक है। वैसे तो मेरा सौराय ले जा रहे मन था, लेकिन ये भी फंस गया ना तो कोई मतलब नहीं रहेगा, इसलिए इन दोनों में से एक लेके चलते हैं। और वो भाई हमारा रास्ते में वेट कर रहे हैं, उनका ट्रैक्टर और ट्राली दोनों फंसे हुए हैं, वो निकालेंगे। और इस वक्त धान की स्थिति की देखें तो धान की स्थिति यह है कि हमने पहला खाद डाल दिया था, फिर कचरा आ गया, कचरे की निराई करवा दी, और अब जो है उसमें एक रोग आ गया है, पत्ता लपेटा, और मतलब पत्तियां सूखती हैं इसमें, और इल्ली भी आ गई साथ साथ और माऊ भी आ गई है। तो उसके लिए हमें स्प्रे करा रहा है, तो आज हम दवाइयां ख़रीदेंगे और कल स्प्रे करवाएंगे। तो उसके लिए हम ये पंप की रिपेयरिंग का काम चल रहा है, ठीक है। तो खेत पे लेके चलते हैं और आपको दिखाते हैं वो ट्रैक्टर कैसा फंसा हुआ है और क्या काम मतलब कैसे निकलेगा वो। और ये पंप देख लो, हमने ख़रीदा था पिछले साल, ख़रीदा था 13 के साल। इसको 2 सीजन की सर्विस हमने ले ली है इससे, और इसमें थोड़ी सी ग्रीसिंग कर रहे हैं, और ये बेल्ट थोड़े से ढीले हैं, ठीक है। मतलब जैसे लाइन लंबी होती है, लोड पड़ता है ना, तो ये फ्री घूमने लगती है पुली। तो हल्का सा इसको टाइट करना है और इसका प्रेशर चेक करना है कि प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा। बाकी इसमें कोई कमी नहीं है, एकदम बिंदास मस्त है ये। और यहाँ देख लो, ये हमारा स्वराज 855 FE, जिसमें हमने रिसेंटली पिछले हफ्ते म्यूज़िक सिस्टम भी लगवाया था, और अब बारी है इनकी। इसमें तो इतना मज़ा नहीं आया, बिल्कुल फर्जी सा था। तो अभी हम क्या करने वाले हैं इसमें, और इसमें जो मैंने डिसाइड किया है कि बिल्कुल यूनिक, भले खर्चा अच्छा हो जाए लेकिन ऐसा म्यूज़िक सिस्टम लगना चाहिए ना कि दूर दूर तक सुनाई दे। उसके लिए मैंने क्या तय किया है कि जो इसके अंदर जो डब्बा बनेगा ना, वो हम प्लाई का जैसा हमको जैसे 4 SP का लगाने हैं, 6 लगाने, जितने भी लगाने, वो हम डिज़ाइन करके और कटवा लेंगे, ठीक है। और स्पीकर पॉइनियर के आते हैं 12-12 D4। मैंने यूट्यूब पे और सब जगह सर्च किया, सबसे बेस्ट स्पीकर आता है, लगभग ये समझ लो 4.5 से 5 हज़ार के बीच का वो स्पीकर है। और अपन 4 स्पीकर का सेट बनाएंगे, और उसके लिए एक एम्पलीफायर पॉइनियर की लगेगी और एक म्यूज़िक सिस्टम इतना लगेगा। तो अब देखते हैं कि हम 2 स्पीकर वाला बनाते हैं या 4, अब यहीं खुद बनाएंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है जिस खर्च में ये जो डपला सा लगा है ना, इससे बढ़िया बन जाएगा। मतलब यार पॉइनियर के स्पीकर बात ही अलग हो जाएगी, है ना। और सोनी की स्पीकर भी हम ट्राई करेंगे, वो मशीन जो है बहुत अच्छी आती है, एक सोनी की भी आती है और एक पॉइनियर की भी आती है और एक और भी आती है, तो वो मशीनें सब हम खुद ही करेंगे, यहीं करेंगे। तो ऑनलाइन मिल नहीं रही हैं, वो ऑफलाइन मिलेंगी। कुछ ऑनलाइन भी मिल रही चीज़ें, जैसे स्पीकर तो मिल जाएगा, लेकिन वो जो एम्पलीफायर्स हैं जो मुझे चाहिए वो नहीं मिल रही। उसके लिए हमको जाना पड़ेगा शॉपिंग करने के लिए बाहर। जैसे ही वो चीज़ें आती हैं हम फटाफट से ये काम शुरू कर देंगे। तो फाइनली भाई, महिंद्रा अर्जुन नोवो को ले जा रहे हैं हम, और ये रख लिए चेन जो कि ट्रैक्टर को निकालने के काम आएगी। और अब बिना देरी करे लेके चलते हैं, पहले डलवाना पड़ेगा थोड़ा सा डीजल।
हम लोग निकल चुके हैं खेत की तरफ जहाँ पे वो ट्रैक्टर खड़ा हुआ है। और ट्रैक्टर कौन सा है वो तो मुझे नहीं पता, टू व्हीलर फोर व्हीलर वो भी नहीं पता, वो जाके हमको वहीं पता चलेगा। और ट्रैक्टर आगे निकल गया है, हम लोग जा रहे हैं बाइक से, देखते हैं। और ये गाड़ी यार बहुत दिन रखी रहती है बेचारी, यूज़ ही नहीं हो पाती है, जब से बारिश शुरू हुई है खेत पे जा ही नहीं पा रहे हैं तो इसका इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन इसको चलाने में जो मज़ा है ना वो किसी बाइक में नहीं है। तो भाई साहब ट्रैक्टर आ चुका है और वो ट्रैक्टर इधर कहीं दूर फंसा हुआ है। ठीक है, तो लेके चलते हैं इसको। भाई कितनी खतरनाक कीचड़ है यहाँ तो, बहुत जम के बैठ गया था और ऐसी कीचड़ में वो फंसा हुआ है, उसको तो यहाँ तक लाने में पसीने आ जाएंगे। और ये देख लो सोयाबीन की खेती है यहाँ पे, भाई सोयाबीन के खेतों में भी फंस गया यार, धान के खेतों से तो मान भी लेते, तो इनमें निराई विराई नहीं करवाते कुछ, तो इतना कचरा तो हो रहा है यार, कैसे होगा सोयाबीन, तो दवाई से मराई तो नहीं है कचरा। अच्छा वो तुमने मशीन का नहीं बोला, मशीन नहीं आ पाती, मशीन नहीं जाएगी, मशीन वहीं बैठ जाती और उसको निकालने के लिए फिर एक हाइड्रा वाइड्रा बुलाना पड़ता। भाई रास्ता भले ही सोयाबीन की खेत है लेकिन बहुत ख़राब है, हाँ मतलब इतना कचरा हो गया, या तो फिर दवाई ने काम नहीं किया ठीक से, और इल्ली का प्रकोप भी तो दिख रहा है यार, बहुत पैसे वाले किसान है भाई यहाँ पे बहुत बड़े बड़े हैं। ये क्या है पूरा ट्रैक्टर इतना अच्छा नहीं मोड़ लें, तो भाई साहब ट्रैक्टर को यहीं से मोड़ना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि आगे कीचड़ है और वो फंसा हुआ है स्वराज, ये भाई साहब का है। और ये सोयाबीन के खेत देख लो कचरे से भरे हुए हैं, चलो भैया घुमा लो, यहाँ पे सोयाबीन की फसल भी ऐसी कमज़ोर सी दिख रही है, देखो फली तो आ गई है इसमें। और अभी तक कमाल की बात है इसमें फोर व्हील नहीं लगाया, टू व्हील में ही आ गया। और ये देखो सोयाबीन की इल्ली मेरे ऊपर आके गिरी, मैं सब देखने गया था इतने में मेरे सर पे आके बैठ गई यार। अरुण अरुण इस तरफ से, इधर से, ये गहरा आएगा, ये रास्ता काफ़ी गहरा है इसलिए बगल से लेके आ रहे हैं। ये देखो बहुत गहरा है ये, और ये फंसा हुआ है सौराज सासू बैठी, बहुत ही बुरी हालत में गड़ी बैठ चुकी है इसकी यार, इतना कैसे बैठ गया मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बिठा दिया इतना कैसे, प्रयास कर करके। अरे यार तुमने ना एक तो गलत जगह घुसा दिया इसको, भाई मट्टी काट दी, तो भाई प्रयास प्रयास में देखो दड़ी बैठ गई इसकी से, बंद कर लो बंद कर लो। और ये हमारे ट्रैक्टर का चोक अलग खराब हो रखा है जिसकी वजह से ये परेशान करता है बंद होने में, क्या है अपन ताकत लगाएंगे ना तो सरक जाएगा, फोर व्हील लगा लो यार, देखो देखो घुस के देख लो एक बार पता चल जाएगा, अपन उसी हिसाब से ट्रैक्टर उतारने का प्रयास कर लेंगे कि भाई चलो गहराई चेक करेंगे भैया। अरे ये तो ज़्यादा लग रहा है, हमारा जो धान वाला ट्रैक्टर इसी में से निकाल के ले जाते हैं, तो गीले किस्म की बात अलग होती है, अगर अपने की ये अड़ी तो फिर लटक के भी तो रह सकता है, फिर कहाँ से वो ताकत नहीं लगाएगा, और ज़्यादा नीचे क्या कीचड़ है और ज़्यादा गड्ढा बनाएगा। हाँ ये
जब छोटे ट्रैक्टरों की सबकी अड़ते हुए गई है तो इसकी ऑब्वियस बात है। हाँ तिरछा लगा लो यार, ऐसे में बांध लो, इसका मुंह सीधा अपने आप हो जाएगा, खिंच के ना सीधा। तुम ताकत ये जहाँ से आयो ना इस पे ऊपर लगाओ बस। चढ़ नहीं रहा, गीला हो गया था, अब इधर से ही निकालना है। बाद आज चढ़ गया, लेकिन जय भैया नहीं चढ़ा तो फंस गया उसमें, क्या है बहुत ही बुरी हालत में। व्यवस्था बनाई जा रही है भाई, कहाँ लगाएंगे। गठानी लगेगी वहां में, क्या नट आएंगे नहीं, छोटी है कि कड़ी, जैसी अपन रस्सी में लगाते वैसी लगा दो, नहीं निकलेगी, खींच लो मतलब। भाई यहाँ से और ट्रैक्टर को देखोगे ना आप तो यार क्या भयंकर स्थिति में, और इस जगह से देखो पूरी दड़ी बैठ चुकी है, नीचे से देखो सोयाबीन की फलियां दिख रही हैं, मतलब ये ट्रैक्टर यहाँ से चारों तरफ से बैठ चुका है, इस तरफ से ये वाला पहिया बस रह गया है बैठने को, है ना, बाकी ये पूरा बैठ चुका है, क्या गजब बैठा है। और ट्रॉली भी नीचे से बैठ गई, लेकिन ट्रॉली खाली है तो ज़्यादा दिक्कत की बात है नहीं, और अब देखते हैं कि हम इसको निकाल पाते हैं नहीं। तो भाई चेन बांध दी, अब देखो तो निकालते हैं इसको, जो हो गया सौरा चालू। डीजल तो है ना, फरफरा रहा है डीजल। चलो भाई निकालते हैं ट्रैक्टर को। वो तो बुरा फंसा यार, निकल ही नहीं रहा। आ रहा है, एक आध झटका और आ जाएगा। हाँ आपकी में आगे आ गया, बहुत जोर से, यस शाबाश, बहुत शानदार। एक और झटका। भाई मामूली नहीं, वो तो बहुत फंसा हुआ, फिर भी काफी आगे आ गया है। देखो ट्रैक्टर काफी आगे आ गया है, और खुल गई। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे था यार मेन जगह पे से तो निकला है ट्रैक्टर, मेन जगह पे यहाँ पे फंसा हुआ था, काफी खींच दिया, थोड़ा सा रह गया बस। हाँ जय साइड बांधो आपकी में ना, ना कुछ नहीं होगा, सादा ट्रैक्टर है यार, पावर स्टेयरिंग होता तो अपने को बहुत चिंता करने का विषय था। चलो
करो भाई एक बार फिर से तैयारी। आपकी में आ जाएगा बस जरा सा गांदो। स्टेरिंग इधर घुमाओ, ब्रेक लग रही है, पीछे करो थोड़ा सा, पीछे 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 थोड़ा पीछे पीछे पीछे। हाँ बस अब स्टेरिंग इधर, स्टेरिंग घुमाओ, स्टेरिंग आ गया आ गया आ गया बस। अरे गजब 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 अरे ट्राली गई भाई, ले आया महिंद्रा देख लो। देख रहे हो? अरे बस रुक जाओ वाह यार आ गया। चलो भैया खोल दो चेन वेन, फोर व्हील की तो बात अलग होती है यार, ताकत लगा ही देता है ट्रैक्टर। तो भाई साहब जैसा हुआ जो भी हुआ बढ़िया हुआ, और ट्रैक्टर जो है अच्छी ताकत लगाई और निकल आया। आपको दिखाते हैं यहाँ पे सोयाबीन के खेत, जो कि कुछ सूख रहा है और कुछ काफी बढ़िया कंडीशन में दिख रहा है। ये सोयाबीन और इस पे इल्लियाँ भी है, मैं जाऊँगा नेका देखा चिपक जाएगी। देखो फलियाँ आ गई हैं, और इस वाली फली में आप देखो इल्ली का छेद है, और पत्ते वत्ते भी काट दिए देखो, और यहाँ देखें तो और खाली हैं अभी फलियाँ। मतलब इसको बहुत अच्छी फसल नहीं कहेंगे, थोड़ी और हाइट होनी थी, अब वो तो एवरेज पे डिपेंड करेगा। ये भी काफी ठीक है, घुटने से नीचे है मेरे, लेकिन सारे में एक जैसी नहीं है। आप देखोगे ना कचरा बहुत हो रखा है, ढालू खेत है बहुत ऊंचाई पे, अपन पूरा पानी आता होगा बह के उधर निकल जाता होगा। वापस चलते हैं। तो भाई साहब निकल चुके हैं यहाँ से उस ट्रैक्टर को निकालने के बाद, और ये आ रहा है पीछे पीछे, और ये रास्ते देख लो, सोयाबीन देख लो आप, काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन रहा हमारे अर्जुन का। दो तीन झटके लगे उसी में निकल आया, लेकिन यार स्वराज तो स्वराज है, बहुत ताकत लगा रहा है ट्रैक्टर। तो भाई साहब ट्रैक्टर आ चुके हैं और हम आ गए हैं मुख्य मार्ग पे, वो खड़ी हमारी बाइक, और बस ये थोड़ी सी कीचड़ है, इसमें तो खैर कोई दिक्कत ही नहीं है, उसके बाद रोड पे मेन रोड पे और काम खत्म। अरे रह गया यार, रह गया ट्राली अड़ गई, एक बार पीछे करके निकल जाएगा हम। हाँ जा रही जा रही जा रही यार, जरा सी है कि वो मट्टी खुद गई निकल जाएगा तेजी में। हाँ गया गया गया, एक बार और एक बार और, कन्नक सीख दूबा है कि बस। ओ, जरा सा और रह गया है, बहुत बढ़िया यार स्वराज की तो बात, या इतनी सी रह गई बस। वापिस ले गया हो
एक हाथ रखो बस, एक हाथ की गुंजाइश है। ले लिया, अरे दुआ है कि तना कर रही देते वहाँ, नहीं तो वहाँ तो खुद चली आती, पर दुआ ना होती ना वहाँ। हाँ लगाओ, बांधो जंजीर बांधो। एक बार फिर से टोचन की आवश्यकता पड़ रही है। मुझे डाउट था कि बस यहीं पे हो सकता है नाटक, क्योंकि गहरा ज़्यादा है, बाकी तो हर जगह से निकल आया। आज ट्राली थोड़ी ऊँची हो जाती। अरे अब ट्रैक्टर आएगा, बांध लो और क्या। चलो भैया बैठो, एक बार फिर से खींचम खांची शुरू। निकल गया था ट्रैक्टर यार, जरा सी डूब आड़ गई बस। ओ गठान खुल गए, नहीं लपेटो मत, गठान बांधो, लपेटने में तो ढीला रह जाएगा वो। चलो भाई एक बार फिर से कोशिश। बस गया, ये देखो ये गड्ढा परेशान कर रही थी ये जगह, इतनी सी जगह ने नाटक कर दिया। फाइनली पक्के रोड पे आ चुकी है, मंजिल लगा दिया है ट्रैक्टर को। तो भाई साहब इसी के साथ ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। लाइक कर देना पसंद आई हो, और कैसी लगी अपना लिख के राय दे दो, कमेंट कर दो, बढ़िया सा, ठीक है। और रेगुलर वीडियोस का प्रयास करेंगे, ठीक है, विश्वास बनाए रखें। और ये हमारी रानी खड़ी है, अभी चलते हैं अपन भी।